मासूम ते मजलूमा दी रक्षा करन वाली कौम बेइंसाफी दे खिलाफ अगे होके लड़ाई लड़न वाली कौम फड़े सारे दे सामने नमन करदे होए फतेह अर्ज कर दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आही स्नेहा देने वास्ते इत्थे पहुंचिया कि जंग की अजे शुरुआत हुई है, जेड़ी लड़ाई लड़नी है उसकी शुरुआत हुई है। आज पंजाब की धी, पंजाब के किसानों की मजदूरों की धी, जिन्हां नूं तुसीं मेरे घर की रसोई तो लैके तुसीं केंद्र की सरकार विच वजीरी तुसीं बख्शी, साडा परिवार का कतरा कतरा खून का साडा देनदार है इस इलाके का, इस सूबे का, जिन्ना तुसीं मान बख्शिया कदे साडा परिवार देन नहीं दे सकता। अज मैं शुकराना करदी हां कि साडे परिवार विच बादल साहब वर्गे वड्डे वडेरे हां जिन्हां ने सानू सिखाया कि कौम दे नाल खड़ना की होंदा है, कौम की सेवा की होंदी है। बहुत वड्डी देन है बादल साहब भी, 16-16 साल कैदा कटिया, बहुत वड्डियां लड़ाइयां उन्हां दी हैगी। अज मैं तुहाडा शुकराना करदी हां, प्रधान साहब का शुकराना करदी हां जिन्होंने इस मैदानी नूं अपनी तिल फुल इस कौम दे वास्ते लड़ाई लड़न वास्ते तुसीं मैनूं अपना फर्ज अदा करन दा मौका दिता, ये देन भी तुहाडी है, देनदार तुहाडे। लेकिन मैं आज जरूर कहना चाहूंगी जेड़े मेरे खिलाफ लोग कहते हैं वो जरूर प्रधान साहब थानू दसणगे, वो लोग जिन्होंने इतिहास में हमेशा पंजाब पंजाबियों का सिख कौम का नुकसान किया है, अकाल तख्त साहब के हमले ही नहीं किए, कतलेआम ही नहीं करवाए, लेकिन उस गल नूं ना पुछो, आही कैप्टन जी ने इंदिरा गांधी नूं चांदी की काई देकर साडे पानियों के नाल भी समझौता किया। अज का इतिहास गवाह है कि अज यह जरा नुकसान साढ़े मुंह च नजर आ रहा है, किसानों के सामने चुनौती बनी क्यों हैगी, क्योंकि देश की सरकार जब सलाह मशवरा कर दिया ने वो किसी पार्टी के नाल नहीं सूबे की सरकार करते हैं। जरा 1.25 साल पहले पिछले अगस्त के महीने तो कैप्टन साहब को पता सी, हाँ सारे कागजात सुखबीर जी थानू दिखाएंगे तो दसनगे, पिछले साल के अगस्त के महीने च जेड़े केंद्र विच मंत्री जी ने पार्लियामेंट विच कहा कि कैप्टन साहब ने 3-3 बारी मीटिंगां च जाके सहमति दित्ती आ काला कानून वास्ते, उन्होंने सहमति नहीं दित्ती लेकिन भाप भी नहीं कढ़ी है साल भर च, ते सहमति किवें नहीं दिंदे, ये दिखाणगे सुखबीर जी थानू 2017 का मैनीफेस्टो सूबे की सरकार का, दिखाणगे थानू 2019 का मैनीफेस्टो राहुल गांधी का, जिथे साफ साफ उन्होंने लिखा कि साड़ी सरकार जब बनूगी पंजाब च भी लागू करांगे ते देश विच भी लागू करांगे, देश ते 2019 च लिखे सी मंडीकरण ढांचा ही सारा खत्म कर दांगे, ए गेन कैप्टन साहब। लेकिन जब मैनू इस साल के मई के तीजे महीने तीजे हफ्ते च 24 मई च, क्योंकि बहुत सारे महकमे होंगे ने केंद्र की सरकार च, हरेक मंत्री के हरेक महकमे च केड़ा कानून बन गया सबनों नहीं पता लगता, जब एक कृषि मंत्री का आया मेरे को फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री के मंत्री के कोल कि इंडस्ट्री वालों तुम देखो यहाँ कि फायदा है, इंडस्ट्री वालों का बहुत वाला फायदा से, लेकिन पंजाब की धी होने के नाते अपनी किसानों की मजदूरों की आड़तियों की तकलीफ को समझते हुए मैं कल अपने मंत्रालय वालों नहीं, मैं आप ही दर्ज किया कि इस कानून के नाल साडे किसानों का वड्डा नुकसान होगा, सूबे की सरकार का वड्डा नुकसान होगा, तो कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिएगा जब तक किसानों से सरकार की सहमति ना हो। मैनू नहीं पता कि सरकार सहमति दे बैठी है, मैं समझती थी सरकार लड़ूगी, लेकिन मेरे ये दर्ज किए हुए कागजा फाइलों में बावजूद जब मैनू पता लग गया
कि कैबिनेट में जा बिल बन रहा थे ये आम तो पहले जब भी अगली कैबिनेट हुई प्रधानमंत्री जी के सामने पूरी सरकार के सामने मैं कहा कि मेरे पता लग गया है कि यह कोई कानून बन रहा है पंजाब से बहुत बड़ा विरोध होगा साढ़े किसानों का साढ़े आड़तियों का साढ़े मजदूरों का साढ़े सूबे का बहुत बड़ा नुकसान होगा कोई यह काला कानून ना लेके आओ जिदे नाल बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ा रोष हो जाए। तुसी सारे समझते होने मेरे मजदूर वीर ने कहानी सुनाई एक चिड़िया की इन्नी वड्डी सरकार ओदे विच एक थोड़ी धी मैं अपनी आवाज उठाई लेकिन इस सरकार दे विच एक धी की आवाज किन्नी जोरदार उठा सकती सी मैं परमात्मा नू हाजर नाजर कह के कह सकती मैं कसर नहीं छड़ी जे एक पासे जे एक पासे किसान यूनियन दे नाल गलबात करके दसो थोड़े शंके की ने आ फड़ो ऑर्डिनेंस मैनू दसो केड़ी लाइन कटवानी है ते केड़ी लाइन दे विच लिखवानी है जाके फिर मंत्री दे कोल कि केंद्र साड़ी एमएसपी खत्म हो जूगी केंद्र साड़ा मंडीकरण सिस्टम खत्म हो जूगा लिखत जे उस तो भी ले लेती लेकिन अखीर जे जब साफ हो गया कि मेरे कहने नाल या मंत्री दे कहने नाल साडे किसानां दा भरोसा नहीं बनता फिर मैं जाके बेनती की कि होर उपर दे लोकी बोलन गलबात करन इन्हां दे शंके दूर करन। तुसी सारे जानते हो कि जब पार्लियामेंट ऐलान होया कि 14 तरीक नूं पार्लियामेंट लग रहा है मेरे परिवार दे तीन जी ICU विच दाखिल सीगे मेरे माता जी मेरे पिता जी ते मेरे भरा 10 दिनां च सानूं होश ही नहीं सी उन्हां दी जान बचाउण च लगे होए सी लेकिन जब मैनूं पता लग्या कि पार्लियामेंट 14 नूं शुरू हो रहा है ते 15 नूं इह बिल आ रहे ने खेतीबाड़ी ते मैं अपने परिवार की परवाह छड़ के दिल्ली भज्जी दिल्ली जाके लगातार प्रधानमंत्री तो लैके हर एक बुआ भड़काया कि इहनूं तुसीं पार्लियामेंट च ना लैके आओ जदों तक किसानां दी सहमति नहीं होंदी तुसीं इहनूं सिलेक्ट कमेटी च भेज दो लोगों की आवाज सुनो साडा पंजाब तबाह हो जाऊगा। मेरा फर्ज बनता सी कि जिन्हां लोगों ने मान दे नाल मैनू उस सरकार च भेजा है अंदर बह के मैं थोड़ी लड़ाई लड़ा अखीर मैं लड़ती लवा तो परमात्मा नू हाजर नाजर समझ के मैं इत्थे तुहानूं विश्वास दिलानी हाँ। एक दिन पहले ताई मैं हरेक गुआ खड़काया हरेक दलील दिती हरेक बेनती की कोई कसर नहीं छड़ी लेकिन जब मैं कागज से देखा कि साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही पहले दिन पहला बिल आया जिथे सुखबीर जी ने विरोध किया तो उन्होंने भी अपने नंबरों के बल से उन्होंने पास कर दिता। अगले दिन मैं जाके कहा कि जे अगले दिन भी तुसी इस तरह पास करोगे मैं सरकार का हिस्सा नहीं बन सकती मैंने कहा गया ये तो हफ्ते वास्ते रौला पै रहा है हफ्ते में सारा कुछ थम जूगा। मैं क्या कहे भुलेखे से तुम बैठे हो 2.5 साल से रोस बढ़ता 2.5 महीनों से रोस बढ़ता जा रहा है तो मैं 2.5 महीने पहले भी कहा सी ये थमन वाला नहीं बहुत बड़ी आग लगूगी तुम क्यों कर रहे हो कहते नहीं बस 10 दिनों की गल है सारा मुक जूगा। मैं क्या देश के सरहद में उठे जवान लड़ी जा रहा है कोरोना की महामारी में इंसान लड़ी जा रहा है आमदन सारे की तबाह हो गई कि किसानों को भी सरकार से अपना रोलना है ना करो इस गल ना करो की लोड़ है कोई सुनवाई नहीं हुई अखीर जे जब साफ सिगा कि नंबरों के बल से इस सरकार ने अपना फैसला सुनाना है फिर मैं फैसला किया एक पासे वो अहदे वो कुर्सियां वो मान वो देश भर से सत्कार जरा थोड़ा बख्शिया सिगा ते दूजे पासे मेरा छोटा मजदूर मेरा छोटा किसान भरा मेरी भैन जिन्हों का सब कुछ इस दिल के उत्ते निर्भर सिगा मेरे मन से कोई शंका नहीं सी एक मिनट नहीं लग्या ठुकराया उस कुर्सी नो फर्ज अदा किया जिन्हां लोगों ने मैनू उत्थे ताईं भेजा सी उन्हां दी धी भैन बन के मैं अपनी लड़ाई जंग ऐलान की अपना इस्तीफा दे के पार्लियामेंट दे विच बह के इन्नी वड्डी सरकार जिथे विरोधी बहुत बोल रहे ने कहिंदे ड्रामा कर दिया मैं कहिंदी निक्का जिहा ड्रामा तुसीं भी करके दिखा दिओ मेरे का 4 साल पए सी थोड़े का 4 साल लंघ गए हुण करके दिखा दिओ जे हिम्मत नहीं मैनूं कहिंदे ने उत्थे तो वोट पाउण वास्ते भी भज गए दोनों पार्टियां रल मिल के भज गईआं ते ओह 400 लोकां दे विच दो आवाज़ विरोध च बुलंद होईआं सीगीआं ओह साडे प्रधान साहब ते साडी सीगी। अज मैं प्रधान साहब नूं शुकराना कर दिया जिन्हां ने फैसला लिता
कि पंजाब वास्ते त्यागना होगा तो परिवार की असं कुछ भी त्याग सकते हैं। उन्होंने शुकराना कहते असं स्टैंड लिता तो स्टैंड के लेन के नाल आज देश भर की 18 पार्टियां तुसी देखिया राज्यसभा के सारे साढ़े नाल खड़े हो गया तो विरोध किया तो जोर दे जबर दे नाल उत्थे भी बिल पास हो गया। अज मैं थानू आही दसना चाहनी हाँ तो आही बेनती करना चाहनी हाँ यह लंबा संघर्ष हैगा यह संघर्ष से थोड़े सारे की लोड़ हैगी। अपनी भैनों भी कहनी हाँ कि तुसी भी घरों निकलो जिस दिन साड़ी पार्टी अगे होकर सानू सुनेहा दिंदी है भावें चंडीगढ़ जाना है भावें दिल्ली तक जाना है इस काले कानून नू जे हटाना हैगा ये सिर्फ पंजाब की लड़ाई नहीं क्योंकि पंजाब किसान आबाद है तो पंजाब का आबाद का ही होगा लेकिन आही पंजाब का किसान देश का ढिड भरता है। देशवासियों मैं कहनी हाँ जे थोड़े घर से भी रोटी पकती है ये किसी किसान से पंजाब के किसान की देन हैगी। तुसी आ ना सोचो साड़ी फैक्ट्रियां हैगियां तो सानू की लेना देना किसान दे नाल ओह दिन नू याद करो 1960 च जिसे असीं भीख मांग रहे सी अमरीका तो जिहड़े पशुआं नू सूरां नू कणक देंदे सी ओह पंजाब दे लोकां दे ढिड भरन वास्ते सानू इह विदेशी देंदे सी ते अज जिथे पंजाब दा बासमती दुनिया भर च जांदा है इहनां किसानां दी देन हैगी उस गल नू ना भुल्लो। लेकिन जिहड़े लोकी भुल्ली बैठे ने अज मैं पंजाब दे लोकां नू कहनी आ गुरु साहब की कृपा साढ़े नाल है कौम इहोजी है ये डरन वाली है हटन वाली नहीं अपने हकों की लड़ाई लड़ना सानू गुरु साहब ने सिखाया है। जदों भी आवाज दे पहली तरीक को चंडीगढ़ जाना है या जब दिल्ली भी जाना होगा नौजवान वीरां नू खास तौर पर बेनती कर दियां ये बुजुर्गों की देन जिहड़ा अज आपां इत्थे बैठे हाँ अज समय है कि अगे हो के आ लड़ाई लड़िए तुसी नाल जुड़ो सारी पार्टियां नू भी मैं कहनी हाँ छड्डो अपनी धड़ेबंदी छड़ी अपनी पार्टीबाजी हाथ बन के एक प्लेटफॉर्म पे आइए इकट्ठे होके मुट्ठी बन के आपका जोर दिखाइए आपकी ताकत दिखाइए ते सारे देश नू जोड़िए ते इस सरकार नू इस काले कानून नू वापस लैन ते मजबूर करिए या तो साडा MSP लाजमी बनाओ मंडी तो बाहर बिके या मंडी तो अंदर बिके MSP दे घट को ना बिके इनू लाजमी बनाओ सरकारी खरीद जिवें अज चलती है इस तो घट कदे घटूगी नहीं इस तो वधूगी आ दोनों चीजा सानू दे दिओ साडी अड्डी लड़ाई तो ठीक पूरी हो जूगी। सो थानू बेनती करनी आ जिथे श्रोमणी अकाली दल लड़ाई लड़ूगी आ थानू सारे की लोड़ है कि तुसी चार है क्योंकि जेड़े समझी बैठे ने हुने कटाई आ जाऊगी वाढ़ी चे लोकी रुझ जाणगे उहदे बाद बिजाई आ जाऊगी दो तीन फसलां चक्कियां जाणगी तो सारा रौला मुक जूगा। आही तो भुलेखा हैगा कि तुसी इस भुलेखे च बह जाओ जब इस भुलेखे में तुसी जकड़े जाओगे उहदे बाद इह वड्डी कंपनियां पहुंचणगियां। सो असीं इस भुलेखे च नहीं रहना इस लड़ाई नू जिवें जारी है भावें वाढ़ी होए भावें बिजाई होए लड़ाई उस तरह ही जारी रहेगी। ते अज धी तुहानू बेनती करदी है कि अज तुसी मेरे ये चुके हुए कदम नू जिथे तुसी सत्कारिया तुसी प्रवान किया अज गुरु साहब बल बख्शन साडी पार्टी नू साडे परिवार नू कि इस संघर्ष नू सिरे लाने वास्ते थोड़ा हक थानू दिलवाने वास्ते असी सूबे की ही सारी पार्टियां सारे लोगों को एक मंच से नहीं लेकिन देश की सारी पार्टियां एक मंच से खड़ा करके श्रोमणी अकाली दल ये वड्डी विरासत जिहड़ी बादल साहब ने सानू दिती है किसान साडा सब तो प्यारा इस नारे नू असी देश भर च नारा बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साडा नारा साडा नारा साडा नारा।